में बॉबी जहां एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। प्रेमी ने पेट्रोल छिड़क प्रेमिका संग खुद को लगाई आग, लड़की की मां भी चपेट में आई। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के ओएसडी के घर समेत 50 ठिकानों पर आईटी का छापा, 300 से ज्यादा अधिकारी शामिल। बीजेपी नेताओं के उड़े होश जब पीएम मोदी की रैली में मंच पर दिखी यह महिला। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गोड़ा में छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार सुबह एक प्रेमी ने खुद और प्रेमिका पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों को बचाने के चक्कर में प्रेमिका की मां भी झुलस गई। तीनों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहां सबकी हालत गंभीर बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने शनिवार सुबह एक घर से धुआं निकलते देखा। लोग जब मौके पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस के पहुंचने के बाद किसी तरह तीनों झुलसे लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों के मुताबिक युवक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों रिश्तेदार बताए गए हैं। कुछ दिनों पहले युवक युवती के घर आया था। शनिवार रात विवाद होने के बाद रविवार सुबह घटना अंजाम दी गई। पुलिस ने बताया कि युवती और उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं युवक भी बुरी तरह से झुलस गया है। एसओ ने बताया कि घटना की जांच की जा रही। आयकर विभाग इनकम टैक्स ने रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीब के घर में छापेमारी की। आयकर विभाग इनकम टैक्स ने रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पे छापेमारी की है। NNI की जानकारी के अनुसार यह छापा कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, रतुलपुरी, अमीरा समूह और मौसर बायर के 50 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की ये छापेमारी भोपाल, गोवा, इंदौरा और दिल्ली के 35 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इस छापेमारी में आयकर विभाग के 300 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने यह रविवार सुबह 3 बजे छापा मारा था। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाने के बाद राजनीतिक पार्टियों में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों 2 अप्रैल को यूपी के गया में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मौजूद एक महिला के होने के कारण विवाद खड़ा हो गया। पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार विजय मांझी के पक्ष में विचार करने के लिए गया पहुंचे थे। वहां मंच पर मोदी के ठीक पीछे जनता दल जेडीयू एलएमसी कुख्यात गैंगस्टर की पत्नी मनोरमा देवी मौजूद थी। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें मनोरमा देवी पीएम के साथ मंच साझा कर दिखी। जिस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मनोरमा देवी मंच साझा कर रही थी, उसी वक्त वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो राम विलास पासवान भी मौजूद थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।